हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रीतिस किचन में। आज का रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है और ये रेसिपी सभी को बहुत पसंद होता है। चलिए इस रेसिपी को देख लेते हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनती है। हमने यहाँ पर लिया है 1 कप मैदा और इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच साबुत जीरा, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच डालेंगे कसूरी मेथी स्वाद अनुसार नमक और 1 चम्मच डालेंगे देसी घी। सारे चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। मिनटों में बनके तैयार हो जाती है और बनाने में बहुत मज़ा आता है। उसको रोल रोल करना ना बड़ी मज़ा आता है। और इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी और इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हम लोग का सॉफ्ट डो तैयार हो गया है। अब इसे साइड करके लोई काट लेते हैं, 2 हिस्सों में कर लेंगे पहले। और बारिश के मौसम में इस तरह का स्नैक्स खाने के लिए बहुत मन करता है। आप कभी भी बनाकर इसे एंजॉय कर सकते हैं। अब हम इसे थोड़ा सा मैदा डस्टिंग करेंगे और इसके बाद इसको एक रोटी का आकार में एकदम जितना पतला हो सके बेल लेंगे। ये आपका जितना पतला होगा उतना अच्छा है, ये स्नैक्स बनके तैयार हो जाएगा। ये देखिए, हमने पतला बेल लिया है। अब पिज्जा कटर से हम इसे काट लेंगे इस तरह से। पहले बीच में कट लगाएंगे, इसके बाद चारों तरफ इस तरह से कट लगा लेंगे। ये देखिए, बढ़िया से हमने कट लगा लिया है। अब हम इसे क्या करेंगे, इस तरह से रोल करेंगे। ऊपर से रोल करते हुए नीचे आएंगे और थोड़ा सा पानी लगा लेंगे यहाँ पर ताकि चिपक जाए। ये देखिए, इस तरह से हम सारे स्नैक्स बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, सारे स्नैक्स हमने बना लिया है और कितना बढ़िया डिजाइन भी हो गया है। अब तेल को हम हल्का सा गर्म करेंगे, पूरा गर्म नहीं करना है, हल्का सा। जब गर्म होगा तब इसे डालकर हल्की आंचों में पहले फ्राई करेंगे। जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब गैस का फ्लेम को हाई में रखेंगे। इसके बाद हम निकाल लेंगे। ये देखिए, गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। इतना बढ़िया बन के तैयार हो गया हम लोग का नमकीन मठरी। देखिए कितना सुंदर भी लग रहा है और कितना क्रिस्पी भी बना।